हरियाणा का नूह पिछले महीने से सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। 31 जुलाई की धार्मिक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में 6 लोग मारे गए थे, 88 घायल हो गए थे। प्रदेश की खट्टर सरकार पर प्रिकॉशनरी स्टेप्स ना लेने के आरोप लगाए गए हैं। अब एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद यात्रा निकालने पर अड़ गया। इस बार खट्टर सरकार ने फुल प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लिए। यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सरकार का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का होता है, हम यात्रा जरूर निकालेंगे। धार्मिक आयोजनों के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी कहा गया कि पुलिस ने यह कहा है कि बाहरी वाहनों को नूह में घुसने नहीं दिया जाएगा। इन सब बयानों के बीच सोमवार को नूह में तनाव बना रहा। नूह जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सोमवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को भी बंद रखने के आदेश दिए। मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्टेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नूह में नॉनसेंस पर नकेल कब कसी जाएगी, ये सवाल आम लोगों का है। और एक सवाल आलोक कुमार, जो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किया है कि क्या हरियाणा की जो सरकार है, पिछले महीने ही अगर इस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त कर देती तो हिंसा नहीं भड़कती, ये भी उन्होंने कहा है। और हम भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हरियाणा सरकार की लापरवाही नाकामी रही। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अगर पिछली बार भी हरियाणा में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई होती तो हिंसा होती ही नहीं। तो आलोक कुमार ने जो बातें कही हैं उससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या हरियाणा सरकार की लापरवाही से नो हिंसा हुई है। ये हम स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने सवाल उठाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कोई आपके पास आप सुझाव है या फिर राय है तो आप info@justbroadcasting.com पर दे सकते हैं। ये सवाल मैं चाहती हूँ कि दिखाया जाए, जो कि सवाल है स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने, क्या हरियाणा सरकार की लापरवाही से नो हिंसा हुई। जैसा कि आलोक कुमार कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद ने क्यों हिंसा के लिए खट्टर सरकार को लताड़ लगाई है, ये भी प्रश्न है। अब जब हिंसा भड़क चुकी है, पूरे जिले में तनाव है, सिर्फ नूह जिले में ही तनाव नहीं है बल्कि इसकी आंच गुरुग्राम तक और पूरे के पूरे हरियाणा में देखने को मिली है, क्या नूह में स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है, या फिर नूह का जो तनाव है और जिस तरह से इसका असर पूरे हरियाणा में देखा जा रहा है, तो क्या ये पूरी की पूरी जो स्थिति है वो खट्टर सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, एक बड़ा सवाल ये भी किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए स्टेट टॉक में उनका स्वागत कर लेते हैं और दर्शकों से परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है नेहा धवन। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। नेहा जी से हम जानेंगे कि हरियाणा सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि क्या चाक चौबंद बंदोबस्त अगर पहले कर दिया गया होता तो हिंसा नहीं भड़कती, 6 लोग मारे नहीं जाते, 88 लोग घायल नहीं होते, और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो जिन लोगों के घर और मकान होटल्स गिराए गए हैं, जिन लोगों को मजबूरी में पलायन पर जो है पलायन करना पड़ा है, मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब भी शायद नहीं होता, ये हम नेहा जी से जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले में क्या राजनीति की जा रही है या फिर राजनीति में इसका क्या असर दिखता है। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो बात आलोक कुमार ने कही है, विश्व हिंदू परिषद इस पूरे के पूरे मामले में केंद्र में है, और जैसा कि आलोक कुमार ने कहा कि सांकेतिक यात्रा हम निकालेंगे और हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। नेहा जी क्या कहना चाहेंगी, एक बड़ा सवाल जो है खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़े किए गए। नेहा जी बिल्कुल, मैं अशोक जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने जो भी सम्मानजनक बात कही है वो आज आलोक जी आलोक जी ने जो भी बात कही है वो आज की परिस्थिति को देखते हुए कही है, क्योंकि आज जो दूसरी बार यात्रा निकालने के लिए जो एक पक्ष हिंदू पक्ष जो है वो अपनी बात रख रहे हैं कि हम अपनी यात्रा को पूरा करें जो पिछली बार पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए आज ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम पहली जो घटना प्रथम बार हुई हिंदू में उस घटना को देखते हैं तो केवल और केवल दो विषय हमारे सामने आते हैं कि मऊ परिसर ने कुछ कह दिया, इस वजह से एक पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो इतना भड़क गया।
इसके अंदाजा लगा पाना पहले जो है वो सरकार को अंदाजा लगाना चाहिए था, क्योंकि मोनू मानेसर कोई हरियाणा प्रांत में एक कोई ऐसा नाम नहीं है जिसकी कुछ भी कह देने से हरियाणा प्रांत में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए या कोई धार्मिक आयोजन को देखते हुए इस तरह के दंगे पहले कभी भड़ गए हों, इस तरह का परिवेश हरियाणा में पहले कभी भी नहीं रहा है। जी आज तक बात मोनू मानेसर की और किसी की सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी हो, आपत्ति हो, इस तरह की आपत्ति तो सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड बन चुका है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। आप सोशल मीडिया को पूरा ट्रोल कर देखें, आपको पता चलेगा कि दोनों पक्षों के बीच में एक अजीब सी जो बहस छिड़ी हुई है, अजीब सी कॉम्पिटिशन चल रहा है। आज अगर सोशल मीडिया पे कोई जय श्री राम लिख देता है, भारत माता की जय लिख देता है, तो जो दूसरा पक्ष है वो उसके अपने आप ही उसके विरुद्ध में चला जाता है कि ये तो जय श्री राम बोलने वाले हैं। लेकिन आज हम ये स्थिति भूल गए हैं कि भारतीय परंपरा में जय श्री राम बोलना केवल हिंदू पक्ष के लिए नहीं है, सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, ये हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय परिवेश है कि यहाँ पर जय श्री राम बोलने वालों को आज एक अलग ग्रुप कैसे बना दिया गया है। आज वो भारतीय भारतीय क्यों नहीं है, वो हिंदू कैसे बन गए हैं। और जो दूसरा पक्ष है, जो मून ने जो वारदात हुई वो केवल और केवल मोनू मानेसर की वजह से हुई, और उसका अंदेशा जो है वो हरियाणा सरकार को पहले लगा लेना चाहिए था। तो ये इतने बहुत बड़ा विषय नहीं है, मोनू मानेसर को हम इतनी इम्पोर्टेंस देंगे तो ऐसे तो मोनू मानेसर लाखों करोड़ों की संख्या में सोशल मीडिया पर बैठे। तो आप मानती हैं जो सवाल हमने स्टेट टॉक में उठाया कि सरकार की लापरवाही रही, ये हिंसा हुई 31 जुलाई को और 6 लोग मारे गए, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाइयां हुई उसमें भी काफी दोष निकाले गए हैं, खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि क्या एक तरफा एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जब कोर्ट इस तरह की चिंता दिखाता है। जी बिल्कुल नहीं, आपका प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और मैं चाहूंगी कि आपके प्लेटफॉर्म से भारत का जो दृश्य है वो निष्पक्ष दिखना चाहिए। हरियाणा प्रांत का, हरियाणा की भाजपा सरकार का जो निष्पक्ष चेहरा है वो दिखना चाहिए, क्योंकि पहले जिस पक्ष ने कार्रवाई की और हिंदू पक्ष बहुत ही शांति तरीके से परमिशन लेकर यात्रा को संपन्न कर रहा था और बहुत ही शालीन तरीके से यात्रा निकल रही थी, दूसरे पक्ष ने केवल ये 2 या 3 दिन की घटना नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि ये कुछ सालों से दूसरे पक्ष के मन में स्थिति दर स्थिति और जो समस्याएं जो घटनाएं जो है वो उनके मन में पनप रही थी, जो स्थिति उनके मन में बन रही थी ये उसका दृश्य हो सकता है। आप एक बात को देखिएगा नेहा जी, माइनॉरिटी कहां पर आपको ऐसा दिखेगा, आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें या अपने देश में ही कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं, कहां पर ऐसा देखा गया है कि माइनॉरिटी को इतने अथॉरिटी मिली हो कि वो निकलकर बाहर पहाड़ पर चढ़कर हमेशा धार्मिक यात्राओं पर, हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर मुस्लिम पक्ष अपने आप को माइनॉरिटी कहता है और पत्थरबाजी करता है। आप कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में नहीं, नेहा जी दोनों तरफ से जो है हिंसा हुई है, एक तरफा हिंसा नहीं थी, ये दोनों तरफ की हिंसा थी। देखिए प्रथम दिन तो मैं आपको यही बात कहूंगी कि ये एक ही तरफा की हिंसा थी, क्योंकि हमने भी बहुत से वीडियोस देखे हैं वहां के, और वहां पर जो उस यात्रा में शामिल थे हमारे भाई के जितने भी, चलिए ये तो जांच का विषय है कि हिंसा जो है वो प्री प्लान थी, ये भी वर्तमान में जो स्थिति सिर्फ नूह की नहीं, नूह में बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन हरियाणा के बाकी हिस्से भी प्रभावित नहीं है ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर जो है नफरती भाषण नफरती आयोजन किए जा रहे हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को धमकी दे रहा है तो दूसरा ग्रुप भी देख लेने की बात करता है, राजनीति इसमें शामिल हो चुकी है और पहले दिन से ही है, बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि ये साजिश भी जो है वो राजनीतिक मकसद से की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए नेहा जी, राजनीति के ऊपर कई शायरों ने कई बार कुछ अच्छी बातें कही है, मैं बता देता हूँ। एक जाने माने शायर रहे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि सीमा पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। तो इसी तरीके से एक शायर ने कहा था कि सियासत दानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा चलता रहे। आखिर ऐसा क्या है जब चुनावी माहौल बनता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, देश के अंदर इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है, जबकि पहले से सब कुछ स्मूथली चल रहा था और भाजपा के नेता और भाजपा सरकार, आपने देखा वो कई बार कहता था कि भाई कभी इतने दंगे होते थे, आज देश के अंदर दंगे नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नूह और मेवात जो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आप कह सकते हैं,
चूंकि सभी जगह कहीं जाट ज्यादा होते हैं, कहीं गुज्जर ज्यादा होते हैं, कहीं पंजाबी लोग ज्यादा हो सकते हैं, इसी तरीके से नूर मेवात है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस एरिया को एक मुझे लगता है राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राजनीति में चीजें बदली है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति चल रही थी पिछले कुछ सालों, हरियाणा की खास करके आप बात करें, जब से यहाँ पर बीजेपी जेजेपी की सरकार, हरियाणा पर मैं चीजों को हरियाणा के संदर्भ में ही बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी खट्टर साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद चौटाला साहब के साथ मिलकर के दुष्यंत चौटाला के साथ वो सरकार चल रही है, और जब भी खुले नारे दिए जाते थे कि जहां चौटाला वहां घोटाला, लेकिन फिर भी सरकार बनाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल इंडिया का भी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं, हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बीजेपी को हटा के कांग्रेस स्थापित हो गई। हरियाणा के साथ में लगने वाला स्टेट है जहां की राजनीति हरियाणा को प्रभावित करती है, वो राजस्थान है। वहां पे वसुंधरा जी की सरकार चल रही थी, उसको हटा करके कांग्रेस वहां पर स्थापित हुई। आपने देखा कर्नाटक की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं नया जी देश में एक मैसेज है, और राजनीति में भी इंटरनल एक मैसेज है कि क्या देश बदलाव की तरफ चल रहा है। और अगर आप 2014 वाला जो परीक्षण था, जो मुजफ्फरनगर दंगे थे, जिस तरीके से वो जाट बेल्ट को राजनीति की प्रयोगशाला बनाया गया था, आपको याद होगा हाल ही में वो उनकी जयंती भी मनाई गई, वो सचिन और गौरव दो लड़के यहाँ पे जो मर्डर कर दिया गया था, मुस्लिमों के द्वारा उनको हत्या की गई थी, वो एक बहन को छेड़ने का मामला था, और उसके बाद पूरा देश जलने लगा था, पूरे देश की राजनीति बदल गई थी। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके का परीक्षण करने की कोशिश हो रही है तो ये दुर्भाग्य है देश का, कि देश को ना जलाया जाए इस तरीके से, और एक साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति करने की जरूरत है। आप देखिए कहीं भी अगर लेकिन संदीप जी रोक रही हूँ मैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल गया, लेकिन क्या बीजेपी कमजोर हो गई है कि इस तरह की प्रयोगशाला, या फिर मैं सीधे सीधे बीजेपी का नाम नहीं लूंगी, जिसको भी राजनीतिक फायदा मिलता है, क्या वो प्रदेश में अनसिक्योर असुरक्षित महसूस हो रही है, इसलिए उसका हाथ हो सकता है? देखिए नेहा जी, चीजों को समझने की जरूरत है। जब चीजें बदलने लगे तो राजनीतिक लोगों, कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, या जननायक जनता पार्टी हो, हर व्यक्ति अपनी राजनीति को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। इनके पास अपने अपने फार्मूले होते हैं कि कैसे हमारा कौन सा फार्मूला फिट बैठ सकता है। ये एक हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा फार्मूला है, जब भी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम पर बात आएगी तो उसका जो बेनिफिट है सीधा सीधा मौजूदा सरकार को मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी की मोदी सरकार है ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और ये मैसेज इन्होंने समाज के अंदर देने का काम किया कि हम हिंदू को, हिंदी को और हिंदुस्तान को सुरक्षा के दृष्टि से काम करते हैं, आपके मंदिरों को सुरक्षित करने का काम करते हैं, बहनों को सुरक्षित करने का काम करते हैं, भाइयों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो अगर राजनीति इस तरीके से बटेगी हिंदू मुस्लिम पर, तो इसका दूसरे लोगों को नुकसान होगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा, इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जाता। जी, एक सीधी सीधी बात संदीप जी ने कही है, नेहा जी क्या जवाब देना चाहेंगी कि सीधे सीधे फायदा तो बीजेपी को होता दिखता है, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगा है कि हिंदुओं के वोट का तुष्टिकरण अगर कोई करता है तो बीजेपी करती है, नेहा जी? बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैं संदीप जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भाजपा हमेशा समरसता की बात करती है, भाजपा हमेशा सभी धर्मों को, सभी अनिल विज का एक स्टेटमेंट है नेहा जी अनिल विज का स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ऐसा आया, ऐसा लगा कि मोनू मानेसर को वो मान रहे हैं कि वो इस विवाद में शामिल नहीं थे, उन्होंने हिंसा भड़काने की बात ही नहीं कही। अगर प्रदेश का मंत्री इस तरह की बात करता है, मोनू मानेसर का नाम लेकर कहता है कि उन्होंने हिंसा भड़काने की बात नहीं कही थी, तो क्या मैसेज जाता है दूसरा समुदाय जो पहले से ही गुस्से में, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके इस दंगे के पीछे हों, लेकिन क्या ये आग को और भड़काने की कोशिश नहीं है, ये तो आग को जो है कम करने की कोशिश नजर नहीं आती नेहा जी? कि मुझे लगता है कि आप भी एक पक्ष की तरफ बायस्ड हो रही हैं, आप दूसरे पक्ष की भावनाओं को समझ ही नहीं रही हैं, आपको तो अनबायस्ड रहना चाहिए। मैं निष्पक्ष हूँ और जनता जी बिल्कुल, मैं आपकी आपकी बात से सहमत हूँ कि आप जनता की बात को सब हमारे सामने रख रही हैं और सबके सामने रख रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात आपको देखनी होगी, इससे पहले हरियाणा कब जला था? भाजपा की सरकार रही, गठबंधन में भी रही, यहाँ केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, हरियाणा में कभी भी इस तरह के सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए। आज हरियाणा में नूह के अंदर इस तरह का सांप्रदायिक झगड़ा देखने को मिला, फिर भी हमारे जितने भी नेताओं ने बात की होगी,
जितने भी नेताओं ने बात की है वो समरसता की बात की और ये कहा है तो क्या ये असफलता नहीं है सरकार की, मुख्यमंत्री खट्टर की असफलता नहीं है, अनिल विज की असफलता नहीं है कि अगर दंगे भड़क गए और जो इंटेलिजेंस इनपुट थी उसका सही समय पर जो है इस पर एक्शन नहीं लिया गया, ये भी भीतर खाते सोर्सेज ने जो है कई जगहों पर मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है इसको इग्नोर किया गया। हमने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है, उसके बाद चाहे गुरुग्राम में बात हुई हो, चाहे पलवल में हुई हो, रेवाड़ी में हुई हो, पूरे हरियाणा प्रांत में हमने दोनों पक्षों के जिस भी किसी व्यक्ति की इसमें गलती नजर आई है, जिस किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है, हमने जांच निष्पक्षता से करके और उनके खिलाफ एफआईआर की, उनको गिरफ्तार किया और उनको उन पर कार्रवाई करने की काम किया है। हमने, हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस पक्ष में किसी भी एक पक्ष का पक्ष नहीं रखा है। हमने हरियाणा प्रांत में नुहू में भी उतने विकास के कार्य कराए जितने हमने अन्य जिलों में विकास के कार्य कराए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक ही विचार है, समानता और समरसता। लेकिन नेहा जी, नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट है जिसमें नुहू को जो है पूरे देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। अगर अगर दो टर्म खट्टर सरकार जो है जी, आज की स्थिति तो फिर भी बेहतर है। आज तो आप और मैं भी बहुत आराम से नुहू और मेवात में घूम सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले की स्थिति, मैं नुहू में गई थी आज से 10 साल पहले, शायद आप, मुझे नहीं पता कि आप जा पाएंगे नहीं, मिनी पाकिस्तान खोला जाता था। आज तो फिर भी स्थिति पहले से बेहतर है। वहां पर जितने भी आज काम हुए हैं वो पिछले 10 सालों में आप उठाकर देखें, डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पर भी। जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो डेटा मुहैया करा दें, मेरे पास वो डेटा नहीं है नुहू में खासकर जिले में जो है क्या तरक्की हुई है। जी नेहा जी, निवेदन है आपसे मेरा कि आप जो डाटा तरक्की की या फिर विकास की जो बात आप कर रही है मुझे जरूर शेयर करें ताकि मैं भी जनता के सामने ये बात रख सकूं कि नू में कितना जो है काम कराया है जब से मुख्यमंत्री खट्टर सरकार में आए हैं। जी, आपके व्हाट्सएप में ये डाटा जरूर पहुंचेगा। हमारे साथ संदीप चौधरी बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से नेहा जी ने भी कहा कि जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हैं विकास जो हुआ है नू इलाके में काफी हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये हिंसा हुई है ये किसी की साजिश लगती है जहां तक मुझे नेहा जी की बात से समझ आ रहा है। नेहा जी, अगर मैं गलत होंगी तो आप मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन संदीप जी क्या लगता है कि विकास का काम हुआ है लेकिन खट्टर सरकार के विरोधियों या फिर दुश्मनों का ये काम हो सकता है कि पूरे के पूरे इलाके में जो है नफरत फैलाई जा रही है? देखिए नहीं है जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमारी बहन बीजेपी नेता मिसेस धवन बैठी हैं, कि हम में किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और नेहा शुक्ला जी भी किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। हम दोनों वो लोग हैं, जब मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे तो हमने उनकी तारीफ की थी। हम वो लोग हैं जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे तो हमने टीवी चैनल पे बैठकर कहा था कि हमारा देश बदलेगा, बहुत तरक्की करेगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। और इस तरीके की तमाम चीजें थी, आपको याद होगा सैनिकों के बारे में भी बात आई थी कि 1 rank 1 pension आते ही कर दी जाएगी, हमने दिले खुले दिल से उनका स्वागत किया था कि हाँ ऐसा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैडम, अगर आज वो बात नहीं है और हम कुछ उन चीजों को बताने की कोशिश करते हैं तो आप ये कह देते हो कि आप तो दूसरी पार्टी से मिल गए हो या आप बीजेपी के खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं है, हमें सच को बोलना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता होते तो झूठा गुणगान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है नूर मेवात के डेवलपमेंट की, जो विकास की नेहा शुक्ला जी आप बात कर रही है। आप मुझे बताइए नेहा जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, डेली चीजों को वॉच करती हैं, मुझे नूर मेवात में एक किसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जो पिछले 10 सालों में वहां पर लग गई हो जिससे मैं मान लू डेवलपमेंट हुआ है। आप मुझे किसी एक नए डिग्री कॉलेज का नाम बता दीजिए नूर मेवात में जो लग गया हो जिससे मैं मान लू वहां शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। आप मुझे कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए नूर मेवात के नाम पर कि हाँ ये चीज है, इसको आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठ करके मैं कुछ भी कह दूं कि हिंदुस्तान चांद पे चला गया, हकीकत है चंद्रयान 3 वहां पर गया है नेहा जी, और आप दोनों को और पूरे देश को उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आज की तारीख में पिछले 10 सालों में मिन्हू और मेवात के नाम पर अगर कुछ याद आता है तो ये दंगे याद आते हैं, इसके अलावा कोई चीज याद नहीं आती है। और पिछले 20-30-50 सालों में कब वहां दंगे हुए थे दोनों ने, यदि आप बैठिए आप मुझे बता नहीं सकते। तो किस तरीके की बातें हमें करनी चाहिए, किस संदीप तरीके जी, नहीं कर... संदीप जी, जब हिंसा हो गई और उसके बाद जिस तरह से खट्टर सरकार ने कार्रवाई की, एक प्रश्न तो इस पे उठ रहा है, लेकिन एक प्रश्न कांग्रेस के भी व्यवहार पर उठता है। क्या आप मानेंगे कि जिस आक्रामकता से कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था, ये पूरा का पूरा काम तो जाट नेता किसान नेता कर रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस, इस मसले पर तो नदारद दिखती है? देखिए नेहा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है।
जिस तरीके से किसान नेता पिछले कुछ समय से देखने को मिला है, देश को जोड़ने का जो असली काम कर रहे हैं वो किसान नेता कर रहे हैं। आपको छोटे से एग्जांपल से बता दूं, 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक त्यागी टीचर थी, कोई मैम उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, तृप्ता त्यागी नाम था उनका, मुजफ्फरनगर नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है जी। वो हमारे आपके समाज के बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई करवा रही थी, तो उस मैटर को सोल्व करने का काम किसान यूनियन के नेताओं ने जाकर के किया, उन बच्चों को मिलवाया और उनके गिले शिकवे दूर करने का काम किया, जो कि सरकारों का काम था, लेकिन सरकारों ने वो नहीं किया। शायद सरकारों की मंशा पर पानी फिर गया, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। वही चीज किसान यूनियन के लोग या समाज के लोग या भारतीय जनता पार्टी, आप उनको जाट नेता ना कहीं तो ज्यादा अच्छा, जो कि वो किसानों से जुड़े हुए, उन्होंने ये हरियाणा को भी जलने से बचा लिया है। तो मुझे लगता है ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश के अंदर निभा रहे हैं, और जिस तरीके से आलोक जी जो अभी वहां यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, अपने जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, निकालना चाहिए, सरकारों का काम है प्रोटेक्शन देने का। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा हो जाता है नेहा जी, कि जब पिछली बार दंगे हो गए, सरकार उसमें नाकाम रही, या तो आप सरकार के ऊपर उंगली उठाइए कि सरकार नाकाम रही, या फिर आप ये कहिए कि हमें अभी नहीं निकालने चाहिए, जो कि सरकार दंगे रोकने में सफल नहीं रहेगी, सरकार के बस की बात नहीं है। एक तरफ तो आपको होना पड़ेगा, या तो सरकार पहली बार नाकाम रही या आपकी बार भी नाकाम रह सकती है। आप किस भरोसे पे आपकी बार लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं? जी संदीप जी, आपने सही बात कही। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिन किसान नेता और जाट नेताओं की बात हो रही है, क्या ऐसा लगता है कि इनका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी भूमिका क्योंकि खुलकर नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए इनका जो है वर्चस्व जो है प्रदेश में ज़्यादा दिखता है, और इनकी हर एक सामाजिक मुद्दे पर जिस तरह से ये खुलकर सामने आते हैं, और हरियाणा में ये काफ़ी असर रखते हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पास में है, इसलिए इन पर भी जो है सबकी नज़र बनी हुई है, खासकर बीजेपी की और कांग्रेस दोनों की। देखिए नेहा जी, आपका जो सवाल है राजनीतिक हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस तरीके का ये मामला है इसमें बीजेपी चाहती है कि इस दंगे के बाद जो मुस्लिम समाज प्रताड़ित हुआ, जिसके मकान टूटे, उनके यहाँ कांग्रेस नेता चले जाए, और यही मकसद है कि बस यहीं से राजनीति दो फाड़ हो जाएगी कि भाई ये हिंदू, और यही वजह हो सकती है कि कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं। आप मानते हैं कि इस वजह से कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है, वो मुद्दे से दूर रह करके मीडिया के माध्यम से चीजों को उठाना चाहती है कि प्रदेश जल रहा है, लेकिन वो मौके पर ना हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहती है ना वो मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहती, क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति को हरियाणा की बांटना नहीं चाहती है। पर मुझे लगता है कि शायद जो धर्म के आधार पर इतनी ज्यादा नफरत फैल गई है कि जब आप धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, अगर कांग्रेस नेता वहां जाते हैं तो क्या वो उनका जो राजनीतिक आधार है वो कमजोर पड़ जाएगा? यही तो बीजेपी चाहती है, और इसी नैरेटिव में कांग्रेस के नेता भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो सवाल खट्टर सरकार पर उठाए गए हैं वो नाजायज है, क्योंकि पहली बार जब हिंसा भड़की तो आरोप लगे कि कार्रवाई नहीं की, जो पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद नहीं, इस बार आपने बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दिया, बाहरी वाहनों को जो है प्रवेश करने से मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा पूरे प्रदेश में नजर आता है कि इस मामले में, सांप्रदायिक मामले में जो स्थिति है वो खट्टर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गई है। बिल्कुल नेहा, ऐसी बात नहीं है कि खट्टर सरकार के ये कंट्रोल से बाहर की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रांत में आज भी सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, हर वर्ग की बात सुनी जा रही है। जहां तक बात अभी थोड़ी देर पहले आप खुद ही हमारे साथी पर जो है वो बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे कि जितने भी ये सामाजिक लोग हैं, यहाँ इसमें एक चीज देखनी होगी, किसान आंदोलन से लेकर अब तक जिस भी तरह के छोटे छोटे आंदोलनों की आज एक परंपरा सी हरियाणा प्रदेश में बन गई है, जब आपकी बात सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुन ली, आपने लिखित तौर पर दे दी, आपने मंत्रियों को पहुंचा दी बात, आपने संबंधित आपके जो स्थानीय जो नेता है उन तक बात पहुंचा दी, उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद, बात बड़े स्तर पर जाने के बाद एक रिजल्ट सामने आ गया कि इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बावजूद भी आप सड़कों पर आ रहे हैं, और वो सभी लोग नहीं है, जो लोग केवल और केवल राजनीति का शिकार हो रहे हैं केवल वो लोग ही सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, और यहाँ पर
कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो अपनी नई नई राजनीति को सेट करने में लगे हुए हैं, जो इनका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, इन मुद्दों को उठा रहे हैं, ये सभी कठपुतली हैं। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत जो है वो इनको चला रही है और ये सभी कठपुतली बनकर अपना खेल दिखा रहे हैं। ये बात एक बड़े उसके साथ में आपके चैनल पर रख रही हूँ कि सच्चाई यही है। एक अच्छा राजनीतिक विश्लेषक है ये बात अच्छी तरह से समझ पाएगा कि आज प्रांत की स्थिति में ये जितने भी तरह के आंदोलनों को शुरू किया जा रहा है ये चंद लोगों की ही द्वारा, लेकिन नेहा जी जब सरकार में चंदा देकर बैठ के राशन हम पहुंचाएंगे ये सब स्पॉन्सर्ड चल रहा है। नेहा जी यही तो सरकार फेल होती नजर आ रही है, यही तो सरकार फेल होती नजर आ रही है। सरकार का ये दायित्व है कि जो उनके उसके प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, पहुंच रही है, जनता की समस्या को सुन रही है, उनके प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, विकास के निरंतर काम हो रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट एक्ट्स हैं, चाहे वो सड़कें बननी है, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात है, सरकार अपने काम करने में लगी है। एक कहावत है, हाथी चलता रहेगा कुत्ते भोंकते रहेंगे। मैं यहाँ पर माफी चाहूंगी लेकिन ये कहावत है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम मस्ती में अपना काम कर रहे हैं, हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसे क्यों नहीं आते कि सभी धर्मों को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में धार्मिक सौहार्द दिखाना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं आती बीजेपी नेताओं या मंत्री की तरफ से? देख लीजिए आप मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए, अन्य हमारे जो प्रमुख नेता है उनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। हम तो समरसता की बात पहले दिन से करते आए हैं, पिछले 9 सालों में क्या नुह में इस तरह की घटनाएं सामने आई? अचानक अचानक जब चुनाव पास में है तो ऐसी घटनाएं सामने आई। ये तो साफ दिख रहा है कि इसके पीछे किसी ना किसी की मंशा तो है ही, जो अपने पिछले 10 सालों से जो सरकार से बाहर बैठे हुए हैं वो बखलाए हुए हैं, उनको विपक्ष में बैठना जो है सही नहीं है उनके पास में विपक्ष में बैठने का। राजनेताओं की तरफ से चाहे वो सत्ता की बात हो या फिर विपक्षी कांग्रेस की बात हो, हमारे साथ संदीप जी बैठे हुए हैं। संदीप जी, ये जो परिस्थितियां हरियाणा में नजर आती हैं, पहले किसान आंदोलन, फिर महिला पहलवानों ने जो आंदोलन किया और अब ये जो नू की जो है हिंसा, इन सभी परिस्थितियों से बड़ा फायदा या फिर नुकसान किसका आप आंक रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और अब जो भी कुछ प्रदेश में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है इसका सीधा सीधा जो है चुनाव से लिंक जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस दल को इससे फायदा हो जाएगा या फिर इसका जो वोट बैंक है ये शिफ्ट हो सकता है। देखिए नेहा जी, बहुत महत्वपूर्ण है और पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अभी हमारी बहन जो बीजेपी नेता है मिसेस धवन, उन्होंने कहा था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है इसलिए जो विरोध करता है, जो प्रदर्शन करता है वो कुत्ता लग सकता ही नहीं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है। नेहा जी एक मिनट, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीजेपी वाले रोजाना प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे नहीं पता उन्हें ये कुत्ते की श्रेणी में रखेंगी या नहीं रखेंगी। बंगाल में बीजेपी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, बीजेपी रोज प्रदर्शन करती है उनके खिलाफ, मुझे नहीं पता उन्हें यहाँ कुत्तों की श्रेणी में रखेंगी या नहीं रखेंगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं, है रोजाना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें और बार बार तो कतई ना करें। संदीप जी अनुरोध है मेरा आपसे जी, नहीं हम स्वस्थ बहस चाहते हैं, सार्थक बहस चाहते हैं ताकि हमारे जनता जो है, जो स्ट्रेट टॉक के दर्शक है उनको कुछ समझ में आए। मैं सीधे सीधे ये समझना चाहती हूँ कि क्या पूरी परिस्थितियां जो है वो किस दल को फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही, किसान आंदोलन से लेके महिला पहलवानों के आंदोलन से लेके अब जो नू की हिंसा हुई है, क्या हरियाणा में एक विशेष दल कमजोर है जिस वजह से इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं या फिर इस तरह की हिंसा हो रही है और इसका फायदा राजनीतिक रूप से उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नेहा जी, बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है और इसी पे मैं आऊंगा, लेकिन आपको याद होगा जब 260 रुपए का गैस का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर लेकर के, नेहा जी सुन लेने दीजिए, सुन लेने दीजिए, नेहा जी आपसे अनुरोध है, सुन संदीप जी बात करिए, नेहा जी आपसे अनुरोध है आप मुझे सुन लेने दीजिए क्या कहना चाहते हैं संदीप जी, बात पूरी कीजिए। महत्वपूर्ण बात नेहा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखिए राजनीति में फायदा लेने की कोशिश की जाती है हर जगह, मैं अभी यहीं पे आऊंगा। आपके याद होगा 260 रुपए का गैस का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी सर पे लेकर के चलती थी, प्रदर्शन करती थी, आपको याद होगा। मुझे नहीं पता नेहा जी उनको कौन सी
जो देने की कोशिश करेंगे तबका। और उसके बाद हरियाणा पे आता हूँ, हरियाणा में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, जब वो किसान यूनियन वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने पूरे कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया था। मुझे तस्वीरें याद हैं जी, आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी स्वामीनाथन की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करेंगे, लेकिन वो ना वो चीजें हुई और प्रदर्शन किया उन्होंने। मैं उन्हें कुत्ते की संज्ञा में नहीं दे सकता, ये एक नेता का काम है, वो विपक्ष में थे, उन्होंने। दोबारा से आप उस लाइन पे ना जाए, नेहा जी ने शायद सीधे सीधे इस तरह से नहीं किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हम उस लाइन पे नहीं जा सकते, ना हम उन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते जी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप भी ना करें जी, बात पूरी करें। अब हम नोह पर आते हैं और मेवात पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंसानियत रहनी चाहिए। बीजेपी के ही एक बड़े नेता हुए वो अटल जी ने कहा था कि भाई मेरा देश रहना चाहिए, राजनीति में तो सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी एक अलग इशू है। तो वही चीजें हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार आपकी जाएगी फिर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारें बदली हैं, चौटाला साहब की भी बदली है, हुड्डा साहब की भी बदली है, खट्टर साहब दो बार रह चुके, फिर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मौजूदा वक्त में कौन सी पार्टी कमजोर लग रही है मौजूदा वक्त में? अब नूह हिंसा भी जब हो गई है तो कौन सी पार्टी जो है कमजोर लग रही है? संदीप जी कम शब्दों में, फिर मैं नेहा जी से एक आखिरी प्रश्न पूछूंगी। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर हुई है, क्योंकि वो आज की तारीख में जेजेपी की बैसाखियों पर चल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, इसलिए सारी कवायद। जी जी, नेहा जी आखिरी प्रश्न आपसे समझना चाहूंगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का मसला है, G20 की अहम बैठक हो रही है, पूरे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर गुरुग्राम तक इस हिंसा की आज ही एक खबर मेरे सामने आई है, स्लम लगभग 250 झुग्गियाँ होती है, वहाँ पर प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके घर उनकी झुग्गियों के बाहर एक पोस्टर, नफरती पोस्टर लगाए गए हैं और उनको धमकी दी गई है कि आप छोड़ कर चले जाओ, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो आपकी झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। हमने नूकी में 31 जुलाई की जो हिंसा हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से झुग्गियों को निशाना बनाया गया था गुरुग्राम के, और अब फिर से पोस्टर सामने आए हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो बीजेपी की है, बीजेपी सरकार की है। नेहा जी क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। प्रदेश की चिंता आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को है, इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले भी की है और आगे भी करेंगे। हरियाणा सरकार ने कभी जिस भी तरह की आपदा हरियाणा पर आई है, भाजपा सरकार पिछले 9.5 सालों में उसके सामने डटकर मुकाबला किया है। हमने हमेशा समरसता की बात कही है, हमने कभी एक पक्ष के पक्षधर नहीं हुए। हम कार्रवाई करेंगे, जिसकी भी इसमें गलती नजर आएगी उस पक्ष पर कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में हम सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है, सभी वर्गों को एक साथ मिलकर काम करना है, तो ये समरसता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो नेहा जी आप भी इतिहास पढ़ी होंगी, आप भी जर्नलिस्ट रही, आपने बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है, आपने देखा है कांग्रेस के समय में भारत कितनी बार जला है, एक बार नहीं काफी बार, शायद हम इसलिए हमें उम्मीद थी आपसे कि आप आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंसा तो हो ही रही है नेहा जी, बहुत अफसोस की बात है। अगर कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए हैं तो बीजेपी की सरकारों में भी दंगे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो है एक कालिक है जो कि देश की छवि पर लगातार मलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम सभी भारतवासियों से जो अनुरोध है मेरा एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते कि धार्मिक सौहार्द के बिना जो है वो भारत तरक्की नहीं कर सकता, ना ही विकसित हो सकता है। हमने जो चंद्रयान 3 एक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसे रहेंगे तो तकनीक में कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि सबको इस पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नेहा जी, माफ़ कीजिएगा समय की कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप आए, और स्ट्रेट टॉक में हमने समझने की कोशिश की कि हरियाणा का नूह लगातार तनाव में क्यों है और इस तनाव को कम करने के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा प्रयास कर रही है, किस पार्टी के प्रयासों में जो है दाग दिखते हैं, कम प्रयास दिखते हैं या फिर दिखावे का प्रयास दिखता है। हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया लेकिन इस मसले पर कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आ रहा है, अभी भी तनाव बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दर्शकों का, और फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।